फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। और आज हम प्ले करेंगे जस्ट कस की 4 की एक और एपिसोड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट आ चुका है हमारे सामने और हम ऑन द वे हैं अपने मिशन की लोकेशन पे। और आज रिस्टार्ट वाली मिशन हमने करना है, तो आपको एक ब्लू सा मार्क नज़र आ रहा होगा, ये हमारे मिशन की लोकेशन। तो चलते हैं हम अपने मिशन की लोकेशन की तरफ। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने मिशन की लोकेशन की तरफ। तो यहाँ से तबाह करते जाएंगे सारी, मतलब कि जो मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं इधर, यानी मतलब कि सिलेंडर्स वगैरह। तो यहाँ पे फ्लिप द ब्रेकर्स, 4 ब्रेकर्स हैं उनको फ्लिप करना है हमने। तो सबसे पहले तो ढूंढना है हमने इन ब्रेकर्स को कि ये हैं किस किस जगह पे। ये पहला ब्रेकर मिल चुका है हमें, इसको फ्लिप अप करते हैं। इसको फ्लिप कर दिया और अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रेकर की तरफ। जो और ब्लू मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब कि और जो ब्रेकर्स हैं ना वो इन जगहों पर लगे हुए हैं। यहाँ से ठुकते जाएंगे इनको, और दो जो ब्रेकर्स हैं ना उनको तो मतलब कि ना फ्लिप अप कर लिया हमने। और अब जो है बताया कि दो और ब्रेकर्स हैं ना, लेकिन इससे पहले मैंने गजर ये जो आर्मी है ना गरबेला की, इसको ठिकाने लगा और काफ़ी ज़्यादा आर्मी है गरबेला की। और गेम भी तकरीबन कुछ ही मिशन रह गए हैं गेम के एंड होने वाला है इसका भी, मतलब कि कुछ एपिसोड ही रह गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रही, 10-1 मिशन और होंगे बस इतने ही होंगे। ये काफ़ी अच्छी गन है ये भी, लेकिन हम जो है ना दोबारा लॉन्चर को पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये साला मौजूद है और इसको ठोकते हैं। तो ये मिल चुका है ब्रेकर हमें और इसको पुल अप करते हैं और बम चलते हैं मतलब के चौथे और लास्ट ब्रेकर की तरफ।
यहाँ से ब्रेकर को भी ये फ्लिप अप कर लिया हमने, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हैक द कंसोल टू रिप्रोग्राम द कॉन्टिन्यूस। चलते हैं कंसोल की तरफ। यहाँ से रिमोट हैकिंग हो चुकी है स्टार्ट, जो स्टे द रेंज, इस रेंज में हमने रहना है, और ये रिमोट हैकिंग की जो बार है ना इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से ठोकते जाएंगे इन सालों को। ये साथ गार्ड्स हैं शायद हमारे, हाँ ये हमारे साथ गार्ड्स आ चुके हैं हमारे। यहाँ से चल के और जो गन्स वगैरह हैं वो हम चेक करते हैं। तो ये कैसी गन है? अच्छा ये तो वो लॉन्चर है ना यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्चर है। वो देखिए मतलब कि एक फायर में ना चार लॉन्चर निकालता है। तो बिकॉज मैंने प्रोफेशनल मैंने इस गेम में ट्रेनर का यूज़ किया, जैसा कि मैं आपको हर गेम प्ले में बताता हूँ। तो चल के ये वाली गन लेते हैं यार। ये गैस में से तो सिर्फ एक फायर निकलता है, इसका कुछ फायदा नहीं है कुछ खास। वो ये क्या, इसमें से तो ड्रोन्स निकलते हैं, वाह यार। तो ये तो काफी जबरदस्त गन्स है, और हमें मतलब कि हैकर को कवर करने में भी हेल्प कर सकती है यार। बहुत ही जबरदस्त गन्स है ये, बहुत अच्छी गन है यार ये तो। मतलब कि ये तो बड़ा फिट होगा सिस्टम, मतलब कि इसमें से तो ड्रोन्स निकलते हैं, वो देखें ड्रोन्स निकलते हैं और वो निकल के फायर मारते हैं यार, वाह यार बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें डाली हैं जस्ट केस फोर में। मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, हमें नहीं पता चला मतलब कि गेम कितने ज़्यादा गेम प्ले कर चुके हूँ। ये बहुत ही और ज़बरदस्त गन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये। तो यहाँ से बस अब ड्रोन्स छोड़ते जाएंगे हम। वैसे तो मतलब कि चार ड्रोन्स होते हैं, तो इसलिए मैंने तो ट्रेनर का यूज़ किया। हम तो अनलिमिटेड ड्रोन्स जो है ना छोड़ सकते हैं। तो ये लॉन्चर भी काफ़ी अच्छा है और ये गन भी काफ़ी अच्छी है। तो रिमोट हैकिंग भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। फाइनली जो है रिमोट हैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, और देखते हैं कि अब क्या करना है हमने। तो डिस्ट्रॉय द ट्रेन इंजन, तो ट्रेन इंजन है उसको डिस्ट्रॉय करना है हमने। तो चलते हैं ट्रेन इंजन की तरफ। अच्छा तो ये आ रही है ट्रेन का इंजन, तो चलते हैं और ये हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से भी हम सेलेक्ट करेंगे उस लॉन्चर को, और ये हमने ट्रेन के इंजन को ना डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फाइनली हमारा जो मिशन है वो भी हो चुका है पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर चैनल पर किसी भी किस्म का कोई भी आप गेम प्ले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज के बस इतना ही, एंड बाय।